वो स्टूडेंट्स जो एसओएससी में फेल हो चुके हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उनके लिए भी है बहुत बड़ी वाली खुशखबरी। तो वीडियो में एंड तक रुके रहो, आज मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट किस लिए जारी की जाती है, कौन कौन से स्टूडेंट्स उसमें पास होने वाले हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे कब उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, और उनको भी मौका मिल सकता है एसओएससी के टॉप स्कूल्स में जाने का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेटिंग लिस्ट क्या होती है। देखो, वेटिंग लिस्ट होती है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, मतलब कि वेटिंग में रखा जाएगा कि उनका एडमिशन बाद में होगा। अब वेटिंग लिस्ट में देखो क्या होता है, कुछ बच्चों का नाम आता है, जैसे कि कोई बच्चा है जिसके नंबर आ चुके हैं, मतलब कि एक नंबर से रह गया, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया है उसने, है ना, फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद अब सेकंड राउंड में वो रह गया है, सेकंड राउंड में रह गया है, तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जरूर उसी का ही चढ़ा जाएगा जो सेकंड राउंड में रह गया है, बेटा एक या दो नंबर से जो बच्चे रह गए हैं उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ ही जाता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब ये मत सोचना कि सबका ही नाम आ जाएगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट जारी कब की जाती है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये कंपलसरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट आएगी ही आएगी। तो भैया वीडियो इसीलिए बना रहा हूं मैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में जान सको। देखो, वेटिंग लिस्ट ये लोग कब बनाते हैं, मतलब कि एसओएससी स्टाफ वेटिंग लिस्ट कब बनाता है, जब मान लीजिए जैसे स्कूल में चार सेक्शन बनने हैं, ठीक है, चार सेक्शन में 60-60 बच्चे आने हैं मान लो, ठीक है, कितने हो गए, 6 चौक 24, 240 बच्चे हो गए। ठीक है, और 240 में से अगर मान लो कुछ बच्चों का 240 पूरे बच्चे नहीं हुए, मतलब कि स्कूल में पूरे बच्चे नहीं हुए 240, जो भी सेक्शंस बनने थे 9th और 11th के, तो पूरे 240 बच्चे नहीं हुए, मान लीजिए 200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी 40 बच्चे और चाहिए, तो क्या होगा, वो जो 40 वैकेंसीज होंगी वो इन वेटिंग लिस्ट वालों को दे दी जाएंगी। और वेटिंग लिस्ट के लिए बेटा क्या है, जो बच्चे सेकंड राउंड में रह गए हैं उनके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, और फर्स्ट राउंड जैसे कि जो भी आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था उसमें क्या होता है, जैसे ही मान लो आपका एक नंबर से रह गए हो आप या दो नंबर से रह गए हो, ठीक है, मतलब जो एलिजिबल है इस चीज के लिए, मतलब कि जो स्कूल में आने के लिए एलिजिबल है उनको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, मैं अब भी कह रहा हूं कि बेटा इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट योर नेम इन वेटिंग लिस्ट। ठीक है, आपका नाम जरूरी नहीं है कि वेटिंग लिस्ट में आएगा। बेटा अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया है, मान लो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया और सेकंड राउंड में आप रह गए, ठीक है, सेकंड राउंड में आपका क्लियर नहीं हो पाया, तब आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जो सेकंड राउंड में क्लियर नहीं हो पाते। अब बात आती है, बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर जी हमने तो स्टेम का फिल किया था, स्टेम में तो सेकंड राउंड होता ही नहीं है। मैंने अभी बताया ना, अगर आपका एक या दो नंबर रह जाता है तो आपका नाम आ सकता है। बस वेटिंग लिस्ट का यही होता है कि जब जब बच्चों का सेक्शन पूरे नहीं बनते हैं तभी क्या होता है बेटा, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। अब सवाल उठता है बेटा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, अब वेटिंग लिस्ट सुनो कब आएगी। अभी क्या हुआ है बेटा, जो अभी क्या हो रहा है, एडमिशन के लिए मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी देखो 3 या 4 तारीख में बच्चों की रिपोर्टिंग टाइम भी है। अब देखो रिपोर्टिंग टाइम होगी, रिपोर्टिंग टाइम में क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो देखनी है कि क्या क्या लेके जाने हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। और हाँ, तो डॉक्यूमेंट्री होगी वहां पर, सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है बेटा, उसमें है ना सब कुछ बताया जाता है कि स्कूल में क्या किया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, है ना, बच्चों को कैसे रूल सिखाए जाएंगे, ये सब सिखाया जाएगा, ठीक है। अब होती है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बाद आपका प्रॉपर एडमिशन होता है। जब आपके प्रॉपर एडमिशन हो जाते हैं, प्रॉपर एडमिशन के बाद आप स्कूल में जाना चालू हो जाते हैं। अभी नहीं आएगी स्कूल में जाने के बाद वेटिंग लिस्ट, रुको जरा सबर करो और सुनो, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट में क्या होगा, जब भी नाम नहीं आएगा, वेटिंग लिस्ट में नाम जब आएगा, जब स्कूल स्टाफ पूरा संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई इतने बच्चों का एडमिशन हो चुका है, अब जितने भी बच्चे रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, डीबीएससी में सारे के सारे रिजल्ट्स भेज देंगे कि भैया इतने बच्चे हमारे आ चुके हैं, अब हमें इतने बच्चों की जरूरत है। अब डीबीएससी क्या करेगा, डीबीएससी आपको मैसेज सेंड करेगा, डीबीएससी आपको मैसेज सेंड करेगा। आई थिंक लास्ट ईयर भी देखा होगा आपने कि पोर्टल पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था एसओएससी के पोर्टल पर, तो बेटा ये इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट मतलब कि एसओएससी के पोर्टल पे तो आया नहीं, आपको डायरेक्ट मैसेज किया जाएगा जो कि डीबीएससी या तो फिर किसी स्कूल से आएगा जो भी एसओएससी से ऑथराइज्ड होगा, ठीक है, वहां से आपको मैसेज आएगा। तब आपको जाकर के वहां पर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है,
और वेरिफिकेशन के बाद आपको स्कूल को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और बच्चे काफी ज्यादा ये भी सोचे होंगे, सर इतना टाइम लगेगा तो अभी हम क्या करें, हमारा जो ओल्ड स्कूल है हम वहां जाएं या ना जाएं। बेटा आपको जाना तो पड़ेगा, स्कूल जाओ, एडमिशन लो, बुक्स खरीदो, पढ़ाई करो, पढ़ाई को बिल्कुल भी मत रोको, ठीक है। बस क्या करना है, वेटिंग लिस्ट का वेट करना है कि जब तक भी आएगी, भाई देखो अभी थोड़ा एक या डेढ़ महीना इसमें लग जाएगा, ठीक है। और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर हमारा तो स्कूल ही 8th तक है, इसके बाद तो हमें और किसी स्कूल में जाना है, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उनको क्या करना है। देखो आप अगर मान लो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, तो ले लो आप, ठीक है, कोई से भी स्कूल में जाना है तो जाओ और पढ़ाई करो अपनी। वेटिंग लिस्ट आएगी, आती रहेगी, नाम आ गया तो ठीक है, वरना तो अपनी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से तो बेटा 80% चांसेस हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। बाकी मैं और भी स्टाफ से बात करके, एसओएससी स्टाफ से बात करके आपको बताता रहूंगा, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर जो हेल्पफुल लगी हो, और शेयर करो दबा करके इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।